पूर्व व्याख्यानों में हम रीतिकाल से संबंधित चर्चा करते आए हैं, जैसे रीति का आशय, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकालीन परिस्थितियाँ और रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवियों की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ BA पाठ द्वितीय में रीतिकालीन काव्य संग्रह नामक पुस्तक विश्वविद्यालय के द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। पुस्तक में सर्वप्रथम आचार्य केशवदास कवि के रूप में हमारे समक्ष हैं। केशवदास की कविता को पढ़ने से पूर्व हमें केशवदास का सामान्य परिचय जान लेना चाहिए। महाकवि केशवदास का जन्म संवत 1618 में और मृत्यु 1680 के आसपास हुई। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव को भी अनेक विद्वान मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। इनके पिता का नाम काशीनाथ और पितामह का नाम कृष्णदत्त था। पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। मिश्र बंधु विनोद में केशव पुत्र वधु नामक कवयित्री का भी उल्लेख मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केशव के कुल की नारियां भी विदुषी थी। केशव की शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण और विदुषी थी। केशवदास के वंशजों का मूल स्थान, निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपाचल के राज्याश्रित रहे हैं। इनका परिवार संस्कृत निष्ठ था। संस्कृत भाषी परिवार में जन्म लेकर बोलचाल की प्रचलित भाषा में कविता करने में इनको बड़ा संकोच होता था। इन्होंने स्वयं कवि प्रिया में यह उल्लेख किया है कि भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। यहाँ भाषा से तात्पर्य हिंदी से है, हिंदी भाषा से है, जिनके कुल के दास भी, अर्थात जिनके कुल के जो भृत्य थे वे भी संस्कृत भाषा में संवाद करते थे, बातचीत करते थे। इसलिए कवि ने संस्कृत को छोड़कर जब हिंदी में कविता की तो स्वयं कवि को भी संकोच होता रहा। केशव कवि भी थे और आचार्य भी थे। संस्कृत काव्य परंपरा से परिचित होने के कारण शास्त्र निरूपित काव्यांगों का परिचय कराने में केशव को सफलता मिली है। वे काव्य में अलंकार को प्रधानता देते थे। इसी मनोवृत्ति के अनुसार वे भामह, उद्भट और दंडी की परंपरा का अनुसरण कर रहे थे, जो रस, रीति आदि को अलंकार के अंतर्गत गिनते हैं। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। यहाँ तक कि दुरूहता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। सुबरन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्रायः वंचित ही दिखाई देती है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विश्रृंखल तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होता है। अलंकार का उन्होंने अलंकार शब्द का बड़े व्यापक रूप में प्रयोग किया है।
अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके वे वर्णन की प्रणाली के साथ वर्णन के विषय को भी उसी के अंतर्गत सम्मिलित करते थे। अलंकारों के लक्षण के लिए उन्होंने दंडी के काव्यदर्श, अमर रचित काव्यकल्प लतावृत्ति तथा केशव मिश्रकृत अलंकार शेखर का अनुसरण किया है। अलंकार के प्रति उनका जो अत्यधिक आग्रह था, उसके प्रति उन्होंने स्वयं कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजेई कविता वनिता मित। इसका अर्थ है कि कविता और वनिता, ये दोनों, वनिता का अर्थ है स्त्री, कविता को यदि अलंकार का आभूषण न पहनाया जाए और स्त्री को यदि भूषण न पहनाया जाए तो वे दोनों ही सुशोभित नहीं होती। यद्यपि सुजाति, हम इसका अर्थ दोनों अर्थों में कर सकते हैं। यदि नारी के अर्थ में यहाँ इस दोहे का अर्थ करते हैं तो वनिता के अर्थ में अर्थ होता है कि यद्यपि सुजाति, यद्यपि जो बाला है वह सुजाति, उच्च कुलोत्पन्न हो, सुलक्षणी, सभी प्रकार के सुंदर शुभ लक्षणों से संयुक्त हो, सुवर्ण, सुंदर रूप रंग वाली हो, सरस, सुवृत्त, रसपूर्ण चित्त वाली हो और जिसका चरित्र भी उत्तम हो, किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भूषण बिनु न बिराजेई, यदि आभूषण धारण नहीं किए हैं तो वह नारी न बिराजेई, सुशोभित नहीं होती, सुंदर नहीं लगती, उसको देखकर सौंदर्यानुभूति नहीं होती। उसी प्रकार जो कविता है, यदि कविता सुजाति, उच्च वर्ग की, उच्च कोटि की कविता है, सुलक्षणी, काव्य के सभी शुभ लक्षणों से संयुक्त है, सुवर्ण, सुंदर सुंदर चुनिंदा वर्णों को लेकर कवि ने अपनी काव्य की रचना की है, सरस, रस से परिपूर्ण कविता है, सुवृत्त, उस कविता में सुंदर वृत्त का चित्रण किया गया हो, लेकिन फिर भी यदि कविता में अलंकार नहीं है तो भूषण बिनु न बिराजेई, अलंकारों के बिना वह कविता कथमपि न बिराजेई, सुंदर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, सौंदर्यशालिनी नहीं होती। कविता और वनिता, कविता और स्त्री, दोनों के अर्थ में अलंकारों की महत्ता को अत्यधिक आग्रहपूर्वक आचार्य केशवदास ने हमारे समक्ष रखा है। तो इससे यह जाना जा सकता है कि केशव का अलंकार मोह अत्यधिक बलवान था। अलंकारों के अत्यधिक मोह के कारण ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी साहित्य में कहा जाता है। केशव रचित 7 ग्रंथों की प्राय चर्चा मिलती है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। कहा जाता है कि इन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया अपनी शिष्या प्रवीण राय को काव्यशास्त्र पढ़ाने के लिए रचा था। इसी प्रकार वीर सिंह देवचरित राजा वीर सिंह देव के प्रति था, रामचंद्रिका इनका महाकाव्य है जो कि राम के संपूर्ण जीवन वृत्त को अपने में समेटे हुए है, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका भी इनके मुख्य ग्रंथ हैं। इनके परवर्ती ग्रंथों में हमें नीति के भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। केशव ने सारी सामग्री संस्कृत ग्रंथों से ली है, थोड़ा हेरफेर अवश्य किया है, उनके कवि व्यक्तित्व पर उनका आचार्यत्व अत्यधिक हावी रहा है। वे उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। रामचंद्रिका उनका प्रबंध काव्य है पर उसमें प्रबंध पटुता उतनी दिखाई नहीं देती है। केशव दरबारी कवि थे, इसीलिए राजसी ठाटबाट, युद्ध, सैन्य प्रयाण आदि का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, पर कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान करने में वे पिछड़ गए हैं। यही कारण है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था,
उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के का राज्याश्रय प्राप्त हुआ था जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुराई से निपटा दिया था, इसीलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह का सदा सम्मान मिला। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में भी कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्र सेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया। केशव की कवि प्रतिभा कम तो नहीं थी, वस्तुतः उनको परिवार और समाज का जो वातावरण मिला था उसमें उन्होंने उसका यथाशक्य सफल प्रयोग किया। वे राज दरबार के प्रतिष्ठा प्राप्त सामंत थे और वाक चातुर्य में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया था। अपनी इसी दक्षता के बल पर संवाद रचना के क्षेत्र में केशवदास को सम्राट माना गया है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप में लक्षण और उदाहरण की परंपरा को स्थापन किया और उसका निर्वाह भी किया। राजस्थानी चित्रकारों ने जिन साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया है उनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया विशेष है। इन रचनाओं की अनेकानेक हस्त प्रतियां सुदूर स्थानों से उपलब्ध हुई है, जिससे केशव की लोक प्रसिद्ध और इन रचनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया उसका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। भले ही स्वतंत्र रूप से इनका महत्व इतना अधिक नहीं रहा हो, किंतु फिर भी वे रीतिकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत बने। एक दिशा दर्शक के रूप में उनके योगदान को हम नहीं भुला सकते। आचार्यत्व उनके कवि रूप को अधिक समर्थ बनाता हुए हमें दिखाई देता है। अगले व्याख्यान से हम केशवदास की जो रचना हमारे यहाँ संकलित है, जो पद संकलित है, उनका अध्ययन करेंगे।